नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दोबारा चुने जाने पर पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। मोदी से बोले जिनपिंग, भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है चीन। फिनलैंड में अमेरिका, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता। बैठक में तीनों देशों के बीच होने वाले सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। सीरिया की राजधानी दमिश्क में रॉकेट से हमला। भीड़भाड़ वाले काशकॉल बाजार को बनाया निशाना। हमले में 35 लोगों की मौत, कई घायल। दक्षिणी फिलीपींस के साबलियान कस्बे में दर्दनाक हादसा। बस दुर्घटना में 19 लोगों की मौत, 25 के घायल होने की खबर। और वित्तीय मामले में बुरे फंसे फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी निकोलस, पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिए गए। 2007 में चुनाव प्रचार के लिए लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी से रिश्वत लेने का आरोप। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।